हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम परसन अल्लाह, न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम परसन अल्लाह। रब اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شاید دو منٹ ہو گیا मैं बोलूं हजरत उलमाए किराम बुजुर्गान महतरम नौजवान इस्लाम रजियान गिरामी परदह नशी खवातीन उम्मत इस्लामिया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उसके मुअज्जज सदर हजरत मौलाना राबे हसनी नदवी और मुअज्जज जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना सैयद शाह मोहम्मद वली रहमानी साहब और बोर्ड के तमाम जिम्मेदारों की तरफ से मुल्क में जो अपील की गई, मुल्क से जो दरखास्त किया गया, उस अपील पर लब्बैक कहते हुए तमिलनाडु के कैपिटल सिटी चेन्नई के हजारों मुसलमानों ने आज इस चौराहे पे जमा होकर यह ऐलान कर दिया है कि हम गुर्बत बर्दाश्त कर सकते हैं। सच्चर कमेटी ने कहा कि मुसलमानों के पास मकान नहीं है, हमने बर्दाश्त कर लिया। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने कहा मुसलमान बदहाल है, हमने बर्दाश्त कर लिया। हम सारे गम बर्दाश्त कर सकते हैं मगर मुस्तफा के सुन्नत का हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मैसेज यह है कि जब कयामत आएगी और कयामत एक दिन पहले भारत के अंदर जो एक अकेला मुसलमान जिंदा रहेगा वो एक मुसलमान भी शरीयत और सुन्नत के साथ जिंदा रहेगा, वो सुन्नत के साथ जिंदा रहेगा। याद रखो मुसलमानों और चेन्नई के सज्जोर मुसलमानों, तुम्हारी जबान तमिल हो सकती है, मेरी जबान उर्दू हो सकती है मगर तेरा मेरा मजहब इस्लाम एक दीन है, एक मजहब है। हम जबानों की बुनियाद पर, हम जबान की बुनियाद पर इस टैग को तकसीम कर सकते हैं मगर कल्चर की बुनियाद पर धर्म का विभाजन नहीं कर सकते। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्लियर कंसेप्ट, अभी बहुत सारे लॉ के टेक्निकल पॉइंट्स को हमारे एक्सपर्ट्स ने एक्सप्लेन किया, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, वरना मैं आपको एक एक पॉइंट पर बताता कि पांच जजों के डिसीजन और जजमेंट में क्या डिफरेंसेस है। हम मदरसे में पढ़े जरूर हैं मगर कानून की किताबों पर तुमसे ज्यादा नजर रखते हैं। तुमने हमें यह समझ रखा कि मदरसे के पढ़े हुए बच्चे शायद जानते नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि हम सर पे टोपियां पहनते हैं, हाथों में चूड़ियां नहीं पहन करते। अजीजा ने मिल्ल अव्वल खलीफतुल मुस्लिमीन वल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम के पहले खलीफा बने तो मुनाफिकों ने कहा था हम नमाज पढ़ेंगे रोजा रखेंगे मगर ज़कात नहीं देंगे। सिद्दीक अकबर ने कहा था अगर ज़कात में ऊंट निकलता है और रस्सी भी निकलती है तो ऊंट देना चाहे और रस्सी ना दे तो अबू बकर तुम्हारे साथ जंग करेगा। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर भारत की सरकार हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये कहे कि तुम वजू बनाने की इजाजत है, वजू में मिसवाक की इजाजत नहीं, खुदा की कसम या तुम रहोगे या हम रहेंगे। हम मिसवाक पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में 200 पर्सनल लॉ है वो सेफ रहे, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे प्रोटेक्शन दिया है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तानी इंडियन मुस्लिम्स आप ये वादा करो कि हम इस्लाम की भी हिफाजत करेंगे और हिंदुस्तान की भी हिफाजत करेंगे। धरना देना
धरना देना, प्रदर्शन करना और नेशनल प्रॉपर्टी को डैमेज करना यह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विजन नहीं है, यह मुसलमानों का कल्चर नहीं है, यह इस्लाम की तालीम नहीं है। हमारा सीधा सीधा कंसेप्ट है कि दुनिया के मुसलमान अमन और शांति के साथ रहेंगे। भारत के सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस हमारे लिए रिस्पेक्टेड है, मगर वो आसमान से उतरे फरिश्ते नहीं है, वो इंसान है। गलतियां उनसे भी हो सकती है। डे बिफोर यस्टरडे एक जज ऑनरेबल कैलकटा हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज 6 महीने का जेल काट कर डे बिफोर यस्टरडे बाहर निकले हैं। जजेस को भी जेल हो सकती है। दोस्तों, मेरी कौम के लोगों, मत घबराओ। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। सरकार आज है, कल नहीं रहेगी। भारत है, भारत रहेगा। देश की जनता जिएगी इंशाअल्लाह। और इस्लाम और मुसलमानों के कर्तव्य से भारत शान से रहेगा। न घबराओ मुसलमानों, सरकार बदली है, कायनात का खुदा नहीं बदला। जज़ाकअल्लाह आपके सुनने का और आपके सब्र करने का। मुझे जब मौका मिलता है तो मैं हिसाब किताब जरा बराबर कर लिया करता हूं। उसकी वजह यह है कि मेरी कौम एक वेटलेस कम्युनिटी बन रही है। मैं इस दर्द को तालियों में कुचा नहीं सकता। मेरी कौम के लोगों, होश में आ जाओ। तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारा लीडर मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसलकों में बट गए, देवबंदी बरेलवी। अरे हम इस्लाम को बचाने की बात कर रहे हैं। इस्लाम रहेगा, तुम भी रहोगे, हम भी रहेंगे इंशाअल्लाह। आइए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये पैगाम आपको दे रहा है। मुझे अफसोस है कि भारत की सरकार जो बिल ड्राफ्ट कर रही है, उस बिल ड्राफ्ट करने में हमारे उलमा से, थॉट ऑफ स्कूल से, हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कोई कंसल्ट नहीं किया। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कंसल्ट करे या ना करे, हमारे लिए शरीयत प्यारी है। हम इसकी हिफाजत को अपने बच्चों से ज्यादा हिफाजत करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं इंशाअल्लाह। सलाम हो हिंदुस्तान की बहनों को, सलाम हो मुसलमानों की औरतों को, क्या उन्होंने सीना ठोक कर कहा और 5 करोड़ सिग्नेचर भेजकर कह दिया कि याद रखना, हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे मगर अपने दुपट्टे का सौदा नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर कहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ आवाज उठाने वाली ज़किया सुमन, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं चेन्नई की धरती से कि तुम 5 सिग्नेचर लाकर बता दो, हमने हिंदुस्तानी मुसलमानों के 5 करोड़ सिग्नेचर भारत के सरकार के सामने। जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके ज्यादा शायद आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अल्लाह आप लोग को खुश रखे। दुनिया में अमन और शांति, भारत में अमन और शांति हो। सब लोग भाई की तरह प्यार से रहे, धर्म और सारे मसलक प्यार और मोहब्बत से। जज़ाकअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल लॉ। न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल लॉ।